एससी एसटी ओबीसी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ओर से की जा रही है, और जो पुलिस जो हमारी रजौरी के अंदर 16 तारीख को दुखद फायरिंग इंसिडेंट जो हुआ था, दो हमारे नौजवान शहीद हो गए थे, उन्हीं के लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि दो हमारे जो नौजवान जो शहीद हुए हैं, श्री सुरेंद्र कुमार जी और कमल किशोर जी, उनके छोटे छोटे दो बच्चे रह गए, दोनों के दो बच्चे छोटे छोटे रह गए हैं, और उनको देखने वाला, उनके मुंह में न्योला डालने वाला अभी कोई नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यह अपील रहेगी कि जो कंप्रोमाइज 16 तारीख को आर्मी के बीच, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच जो कंप्रोमाइज जो हुआ था, उसे हम चाहते हैं कि इन लैटेंट स्पिरिट पूरे का पूरा लागू होना चाहिए। उसमें उन बच्चों को जो शहीद हुए हैं, उनकी पत्नियों को, उनके जो डिपेंडेंट है, उनको एक एक को नौकरी मिलेगी आर्मी या पुलिस हॉस्पिटल में मिलेगी, और जब तक हमारे बच्चे कॉलेज एजुकेशन तक उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, और उसके बाद कंपनसेशन जो उनको मिले, 1-1 लाख कंपनसेशन जो अग्रीमेंट हुआ था, और पुलिस की जो हमारी जो सिट कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जब तक उनकी इंक्वायरी नहीं आती उसके बाद उसको आर्मी की ओर से मिलेगी, ये जो इनके वायदे थे, 1 लाख डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इमीडिएट जो कंपनसेशन मिलेगी। हमें खुशी की बात है कि कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गई थी, पुलिस अफसर भी गए थे, और 5-5 लाख उन परिवारों को उन्होंने दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो एक टीम जो गई थी, जो डेलीगेशन जहां से गया था, उनमें हमारे श्री केसर चंद जी जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, और हमारे साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं एसएस ट्रस्ट के, हमारे डॉक्टर शिव गोत्रा जी गए थे, हमारे मंगत राम जी वो वहां पर गए थे, और हमारे श्री गुरु रविदास सभा जसों के सोसाइटी के प्रधान श्री उदेश राज जी संग्राल वो भी वहां पर गए थे। हमने जो वहां जाकर जो जायजा लिया, जो कंडीशन उनकी बच्चों की थी, जो उन घरों की हालत थी, ना वहां पर गलियां हैं, ना नालियां हैं, ना उनकी अप्रोच रोड है, किस तरह वो वहां पर लोग रहते हैं। हालांकि वो एरिया जो है वार्ड नंबर 15 जो डिस्ट्रिक्ट जो हमारी कॉरपोरेशन का जो है डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल है, म्युनिसिपल काउंसिल है रजौरी है, उसके अंदर वार्ड नंबर 15 के अंदर अंतर्गत आ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां पर बूढ़े किस तरह वहां पर पहुंचते हैं, बड़े हैरानगी की बात है, चढ़ाई चढ़ के जाना, ना तो वहां पर गलियां हैं, ना नालियां हैं पानी के लिए। हाँ, उन्होंने गुहार लगाई थी, जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर वहां गए थे, उन्होंने कहा था कि हमें 2 पंप लगा दिए जाए जहां पर अप्रोच रोड बननी चाहिए। हालांकि उन्होंने एग्री किया कि मार्च महीने से पहले हम आपको 2 पंप भी देंगे, और कोशिश करेंगे उसकी अप्रोच रोड का भी कोशिश करेंगे। तो इन हालातों में मेरी अपील रहेगी कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट को लैटरल स्पिरिट जो लागू होना चाहिए, बच्चों को इमीडिएटली उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, उनकी एजुकेशन का सोचा जाए, और उनको इमीडिएटली जो है नौकरी प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपना भरण पोषण जो है वो कर सके। ठीक है।